9 students of a government-run school in southeast Delhi were hospitalized after a dead rat was found in their midday meal. As per reports, the children of the government boys senior secondary school in Deoli area complained of nausea and stomach ache after consuming the meal, after which the rat was found in the food. The children have been hospitalized and are under treatment. The hospital has said that they are stable and will be discharged soon. The school authorities have also filed a complaint in this regard. My colleague Deepa Rana gets us this ground report. Take a look. 9 students of a government school located in Deoli in Malviya Nagar were hospitalized on Thursday evening 4 p.m. after consuming midday meals in which allegedly there were dead rats found. In a series of tweets, Education Minister Manish Sisodia also raised questions on the negligence of the school authority as well as the company providing midday meals to these Delhi-run schools. However, today the angry parents protested outside the school. We also tried to reach out to the school authorities who refused to talk to the media as well as the angry parents who protested outside the schools. The parents in the meanwhile have raised questions on the quality checks being done by the Delhi government. They have also demanded resignation of Delhi's Deputy Chief Minister and Education Minister Manish Sisodia on the negligence caused by the Delhi government and has raised questions as to what the Delhi government has really done for the Delhi-run government schools. This is Deepa Rana for Magic Bricks Now in New Delhi. क्या होता लड़का के साथ ऐसे ऐसे वहाँ खाना में चूहा मिल गया था, तबीयत खराब है, जैसे हो रहा है ना परवाही ऐसे नहीं होना चाहिए. और हम क्या बोले, क्या नाम है आपके लड़के का, कितनी उम्र है? सनत कुमार झा है, 13 साल के. कौन सी क्लास? 6 में. कैसे मालूम चला? मालूम चला, फोन किया वहाँ से मास्टर ने, ऐसे ऐसे आपका लड़का बीमार है, यहाँ हॉस्पिटल ले जा रहे हैं. हम कितने बजे घटना ने 7 बजे मेरे पास फोन आया था. उसके बाद हम किसी पड़ोसी को लेकर यहाँ पे आए थे, यहाँ पे देखे तो सारे बच्चा है, 9 बच्चे हैं. स्कूल प्रशासन का क्या कहना है इस पर, कुछ बोला उन्होंने किसी टीचर से बात? नहीं नहीं, मेरे को नहीं हुआ है अभी. आपके आप क्या चाहती है सरकार इस पर क्या करे, क्या कार्रवाई करे? क्या कहे, जैसे लापरवाही हो रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए. बच्चा तो घर से खाना बना के दे, लेकिन बच्चा जाता है खा लेता है वहाँ, जब आता है तो जो वेंडर है, जो सप्लायर है, उसके खिलाफ हमने क्रिमिनल केस दर्ज कराएंगे. उसके खिलाफ जो भी स्ट्रिक्ट क्रिमिनल एक्शन हो सकता है वो लेंगे, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आगे आने वाले समय में कोई इस तरह की लापरवाही करने की हिम्मत ना करें. बहुत सारे रेगुलर इंस्पेक्शन का मैं शुरू करा रहा हूँ और आज ही मैंने अभी यहाँ आने से पहले चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर किया है कि अगले एक हफ्ते में दिल्ली के सारे सीनियर IAS ऑफिसर्स, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स एक एक किचन इंस्पेक्ट करके आके मुझे रिपोर्ट बताएंगे और मेरे दिए गए पैरामीटर्स के आधार पर उनकी रिपोर्ट तैयार करेंगे, किस किस पैरामीटर पर इंस्पेक्शन करना है. और उसको उसको भतीजावाद का भी आरोप लगाया जा रहा, बता रहे विधायक जो भी हो, देखिए विधायक के रिश्तेदार का हो, प्रधानमंत्री के रिश्तेदार का हो, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार का, मंत्री के रिश्तेदार का हो, किसी को नहीं बख्श सकते. जिसने जो कहीं भी ठेका ले रखा है वो चाहे जिसकी जो जान पहचान हो, लेकिन अगर बच्चों की जिंदगी से कोई खिलवाड़ करेगा, लापरवाही करेगा तो छोड़ेंगे नहीं, अंतिम दम तक लेके जाएंगे. और आज जो केस हुआ है, ये कल जो केस हुआ है, इस पे तो मेरा खुद का कमिटमेंट है. मैंने सुबह 4:30 बजे अपने ऑफिसर्स उसकी किचन में भेज दिए थे कि देख क्या हो, इंस्पेक्शन में हालत क्या है. मैं खुद जाके सर पर इंस्पेक्शन करूंगा, सारी दिल्ली की किचन्स में सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर्स को भेज भेज के इंस्पेक्शन कराएंगे, जो जो गड़बड़ कर रहा है उसको ठीक करेंगे. यू कैन वॉच लाइव टीवी ऑन आवर वेबसाइट mbnow.in. Find us on Facebook at facebook.com/magicbricksnow. And don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at magicbricksnow. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/magicbricksnow.